पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन दहाड़े जो लूट की वारदात हुई वह झूठी निकली। दरअसल शिकायतकर्ता भावना राठौर को बीसी खेलने के एवज में 4,64,000 रुपए देने थे जो भावना राठौर के पास नहीं थे। पैसा न देना पड़े इसलिए भावना ने अपने दोस्त तार्जन बंजारे के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी बनाई। पुलिस शनिवार को देर शाम तक सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही लेकिन उन्हें लूट जैसी वारदात का कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को जानकारी मिली कि भावना ने अपना बैग लूट की घटना से 9 किलोमीटर पहले ही अपने दोस्त तार्जन बंजारे को दे दिया था। उसके बाद थाने पहुंचकर लूट की झूठी शिकायत की थी। मामले का खुलासा दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने की। आज दोपहर में पद्मापुर निवासी एक महिला जो कि भिलाई 3 थाना क्षेत्र में जा रही थी, उसके द्वारा भिलाई 3 थाना क्षेत्र में आके ये सूचना दी गई कि उसके बैग में जो 4.5 लाख रुपए थे, 4,66,000, उसको बाइक में आके दो लोगों द्वारा उसे छीन के उसे ले जाया गया। पुलिस को उसको जैसे ही सूचना मिली उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज को, उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया। जो उसने घटनास्थल बताया था, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मालूम चला कि वो घटनास्थल से 9 किलोमीटर पहले ही उसने अपना बैग निकाल के किसी एक पुरुष को दिया था। फीडीआर भी निकालने पे उसी पुरुष से उसकी बात करने की बात सामने आई। जब उस पुरुष के साथ जब बातचीत की गई और जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और उसमें विरोधाभास पाया गया तो इन दोनों ने माना कि ये महिला जो है कर्ज में डूबी हुई थी, करीब उसने मार्केट से 5 लाख रुपए कर्जा ले रखा था और नहीं दे जाने के कारण उसने इस तरह की एक षड्यंत्र रचा जिससे कि वो ये बता सके कि 4.5 लाख रुपए उसके जो है लूट गए उसके। निश्चित रूप से ये बहुत ही पुलिस के प्रॉम्प्ट एक्शन के कारण इस चालसाजी को हम लोग तुरंत अनकवर कर पाए। दोनों महिला और पुरुष दोनों के ऊपर IPC की धाराएं और CRPC के तहत कार्रवाई की जाएगी। महिला पद्मापुर की रहने वाली है, जो लड़का है वो रिफादी का रहने वाला है। अभी दोनों से पूछताछ आगे की जाएगी। अभी ये अभी देर रात हो गई है तो महिला को घर अपनी चली गई है। कल महिला को बुलाकर डिटेल में ये कैश कहाँ से आया, किसने निकाला, कहीं ना कहीं जो पुरुष है जो उसका फ्रेंड है उसकी इसमें चालसाजी की बात सामने आ रही है। अभी डिटेल में जाँच की जाएगी।